वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत आप सभी को बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसने सेमेस्टर सिस्टम के लिए जितने भी जो कोर्सेज है उनके सिलेबस को अपलोड कर दिया है। उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्थान यूनिवर्सिटी, उसकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर उन्होंने सभी स्ट्रीम्स के लिए जो सिलेबस है वो आज रिलीज़ कर दिया है। चाहे फिर वो आर्ट्स फैकल्टी हो, चाहे फिर वो साइंस फैकल्टी हो, चाहे फिर वो कॉमर्स फैकल्टी हो, तीनों स्ट्रीम के लिए जो सिलेबस है वो आज सेमेस्टर सिस्टम का कंप्लीट अपलोड कर दिया है। जिसमें से साइंस स्ट्रीम में जो जूलॉजी का सिलेबस था जो अपलोड किया गया था लेकिन उसको वापस रिमूव कर लिया था, आज उसे फिर से अपलोड किया गया है। और जो अब अपलोड किया गया सिलेबस है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जूलॉजी में कौन कौन से टॉपिक जो है वो रहने वाले हैं। यहाँ पर जो सिलेबस जो अपलोड किया गया है वो NEP 2020 के अकॉर्डिंग किया गया है, मतलब न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके अनुसार जारी किया गया है। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपना जो ब्राउज़र है उसको ओपन करना होगा और इस ब्राउज़र पर आपको सर्च करना होगा RU सिलेबस। जैसे आप RU सिलेबस को यहाँ पर सर्च करोगे तो ऊपर जो आपकी जो मेन वेबसाइट है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसमें आप देख सकते हो सबसे जो ऊपर है यहाँ पर, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सिलेबस एज पर NEP 2020-2023-24 के लिए, ठीक है, इसे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हो इसके बाद में आप देख पाओगे पूरा जो इंटरफेस है वो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। इसमें आप देखिए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, इसके लिए जो है अभी जस्ट अपलोड किया है आज की डेट में, और फिर नीचे जो है वो है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। अच्छा, पहले हम आर्ट्स की बात करते हैं कि आर्ट्स में किस सब्जेक्ट का, आर्ट्स में जो है वो कौन से स्ट्रीम के लिए जो अपलोड किया गया सिलेबस है। तो यहाँ पर 4 ईयर बैचलर ऑफ आर्ट यानी कि जो इंटीग्रेटेड जो कोर्स है, ठीक है, उसका जो यहाँ पर सिलेबस है वो दिया गया है। इसे आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो। जबकि हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की, तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में यहाँ पर फर्स्ट जो है वो दिया गया है बैचलर ऑफ कॉमर्स BCOM ABST वालों के लिए। सेमेस्टर सिस्टम है, ईयर की बात करें तो 2023-24 में है, इसे यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद में दूसरा दिया है ABST, इसे भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। फिर है BCOM बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर वाला, और फिर है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, फिर है BCOM EAFM, इसके लिए जो सिलेबस है वो भी अपलोड किया हुआ है। नेक्स्ट अगले स्ट्रीम की बात करते हैं, तो यहां पर अगली स्ट्रीम जो आती है वो फैकल्टी ऑफ साइंस की आती है, और इसमें जो सिलेबस है वो किस किस सब्जेक्ट का डाला हुआ है, तो देखिए मैथमेटिक्स डाला हुआ है इसमें, केमिस्ट्री डाला हुआ है। केमिस्ट्री में यहाँ पर क्या है कि जो ऑनर्स है और जो पास कोर्स है दोनों का डाला हुआ है। इसके बाद मैथमेटिक्स, फिर बोटनी दोनों का है, और इसके बाद में जस्ट आप देखोगे तो फिजिक्स जो है वो दोनों के लिए है, एस्थेटिक्स जो है उसके लिए है, और साइकोलॉजी है उसके लिए भी है। और साथ में यहाँ पर जो BSc है, BSc में आप देखिए साइकोलॉजी है, और BSc जूलॉजी है, और जूलॉजी नॉर्मल जूलॉजी है। तो यहाँ पर आप देखिए जो 12 और 13 नंबर पे जो यहाँ पर सिलेबस अपलोड किया गया है वो आज नया अपलोड किया गया है, जो कि स्पेशल जूलॉजी के लिए है, जो कि पहले डाला गया था लेकिन उसको रिमूव कर दिया था। रिमूव क्यों किया गया था उसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखी है, जा करके आप चेक कर सकते हो, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इस बार हम यहाँ पर जूलॉजी का जो सिलेबस है उसे डाउनलोड करते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर डाउनलोड वाले पे ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे हम यहां पर क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाता है, और जैसे ये डाउनलोड होता है उसके बाद में जस्ट ये ओपन हो जाएगा किसी भी हमारे जो PDF जो रीडर होता है, लाइक जैसे कि अडोब एक्रोबैट, तो इसे हम जस्ट ओपन कर लेंगे। जैसे ही हम जस्ट ओपन करेंगे तो आपके सामने जो इसका जो PDF है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें मेन पेज जो है उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा मिलेगा आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, और इसका जो लोगो है वो भी आपको मिल जाएगा। साथ ही लिखा मिलेगा सिलेबस, और सिलेबस के साथ में नीचे देखिए आप 3 ईयर एंड 4 ईयर, यानी कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि वे स्टूडेंट जो कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, जो कि BSc और जो BEd होता है उस कोर्स वाले स्टूडेंट, उनके लिए भी यही सिलेबस जो है वो लागू किया गया है। मतलब पास कोर्स और इंटीग्रेटेड कोर्स दोनों के लिए कॉमन सिलेबस जो है वो रिलीज़ किया गया है। दोनों के दोनों स्ट्रीम्स में आप एक ही प्रकार का सिलेबस जो है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया गया BSc जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, यानी कि 2 सेमेस्टर इस बार लागू किए गए, और एक क्लास में 2 सेमेस्टर, यानी कि 1 ईयर में 2 सेमेस्टर। एग्जामिनेशन 2023-24 के लिए है, जस्ट आप नीचे देखोगे। अच्छा, इसमें हमने ये भी बात करी थी कि जो PDF था पहले वाला, उसका जो पेज था ना, उसके पेज में भी डिफरेंट, मतलब जो अंतर था वो आ रहा था, यानी कोई ना कोई पेज जो था मिस था। इस PDF में हम देखेंगे कि या पेज में कोई मिस्टेक है या फिर कंप्लीट पेज दिए हुए हैं। तो देखिए पेज नंबर 1 है ये। नेक्स्ट, फिर हमारे पास में यहाँ पर आता है ये ओनर्स के लिए जो है सिलेबस दिया गया है, सो हम यहाँ पर बैक करते हैं, ठीक है, बैक
क्योंकि हमें पास कोर्स को देखना है। अगर ऑनर्स से आप स्टूडेंट हो तो ये वाला जो सिलेबस है वो आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। कर लेते हैं, बैक करने के बाद में हम जस्ट जो दूसरा है उसे हम डाउनलोड करते हैं। दूसरे वाले पीडीएफ को जब हम डाउनलोड करेंगे तो इसे ओपन करके देखते हैं, उस पर लिखा मिलेगा आपको पास कोर्स, ठीक है। और इस सिलेबस को हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। जैसे हमारा सिलेबस जो है वो डाउनलोड होता है, उसके बाद में ये जो एडोब रीडर है उसमें ओपन होएगा और जस्ट हम इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पर वही चीज़ मेंशन की गई है, यदि जो स्टूडेंट इंटीग्रेटेड में है उनके लिए भी और जो पास कोर्स है उनके लिए भी सेम रहेगा। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के लिए एग्जामिनेशन 2023-24 के लिए ये सिलेबस जो है वो लागू किया गया है। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि इसके जो सेकंड जो पेज है, ठीक है, ये पूरा ब्लैंक है, यानी कि पेज जो सेकंड था उसको यहाँ पर दिया गया है। पिछले पीडीएफ में ये पेज जो था वो एब्सेंट था। जस्ट इसके बाद में अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट जो अगला पेज है उस पर लिखा मिलेगा आपको पास कोर्स, यानी कि ये जो सिलेबस है वो पास कोर्स स्टूडेंट्स के लिए है और जो बिना ऑनर्स वाले हैं यानी कि जो इंटीग्रेटेड है उनके लिए भी यही जो पीडीएफ है वो काम आएगा सिलेबस के तौर पे। सिलेबस बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें जो पेपर फर्स्ट है वो है एनिमल डाइवर्सिटी का और इसमें कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो ऐड किए गए हैं। तो देखिए सिलेबस फर्स्ट पेपर जो एनिमल डाइवर्सिटी है उसमें चार सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन ए बी सी और डी, यानी कि पहले तीन सेक्शन हुआ करते थे लेकिन इस बार चार सेक्शन दिए गए हैं। साथ ही इसमें आप देखेंगे कि जो सेक्शन ए है उसमें आपको यूनिट जो है वो चार दी गई हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। चार यूनिट में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, तो देखिए जो क्लासिफिकेशन आता है एनिमल किंगडम का, उनके जो फाइलम्स बने हुए हैं उन फाइलम्स के बारे में पूछा गया है, स्पेशली उनके जनरल कैरेक्टर के बारे में, साथ ही उनका क्लासिफिकेशन जो है वो पूछा गया है। और एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी ऐड की गई है इस बार के सिलेबस में कि एक एक जो इनका मेन फीचर है ना उसे डिटेल में पूछा भी गया है, जो कि हम पहले पता है पास कोर्स में जो सेकेंड ईयर की क्लास थी इन वर्टिब्रेट पेपर में पढ़ा करते थे। लेकिन इस बार क्या है कि हम जो बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर मतलब जितने भी जो सिमिलर जो टॉपिक है ना उन सबको एक ही क्लास में ऐड किया गया है राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो न्यू सिलेबस का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लीजिए जितने भी एनिमल का क्लासिफिकेशन है, चाहे फिर वो नॉन कोडेटा हो चाहे फिर वो कोडेटा हो, सबको एक साथ एक बुक में ही दे दिया, यानी कि आप सबसे पहले क्लासिफिकेशन को ही पढ़िए, ठीक है, फर्स्ट क्लास में। बाकी के जो और टॉपिक होंगे वो हम आपसे सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में पूछते रहेंगे। तो ये पैटर्न है। इसमें क्या है कि फर्स्ट यूनिट में पूछा गया है प्रोटिस्टा के बारे में, सेकंड में पोरीफेरा और थर्ड में पूछा गया है सीलेंटेटा फाइलम्स के बारे में, उनका जनरल कैरेक्टर और साथ ही साथ उनका जो क्लासिफिकेशन है अप टू क्लास तक ये पूछा गया है। फिर इन तीनों में एक कॉमन क्या आता है, इन तीनों में एक कॉमन आता है कि इनका जो मेन फीचर है ना वो भी पूछा गया है, जैसे कि प्रोटोजोआ में पूछा गया लोकोमोशन के बारे में और पोरीफेरम पूछा गया कैनाल सिस्टम के बारे में और सीलेंटेटा में पूछा गया है पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। ये तीन यूनिट है सेक्शन एम में, जबकि इसमें एक यूनिट और भी है फोर यूनिट, जिसमें हेलमंथीज जो जीव हैं, जिसमें प्लेट हेलमंथीज और एके हेलमंथीज जो एनिमल आते हैं उनके बारे में पूछा गया है, उनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इनका क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेज। साथ ही इनके जो एनिमल्स उनकी एक विशेषता पूछी गई है, जैसे कि लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम एंड इट्स पैरासाइट अडेप्टेशन, यानी कि परजीवी है तो इनमें परजीवी जो अनुकूलन है वो कौन कौन से रहने वाले हैं। नेक्स्ट फिर इसमें पूछा गया है निमेथेलमिंथी जो है उनके बारे में पूछा गया, जिसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन अप टू जो क्लासेज है वहाँ तक, और इनका भी सेम वही पैटर्न है लाइफ साइकिल। इसमें जो एग्जांपल आता है दैट इज एस्केरिस, ठीक है, इसका जो पैरासाइटिक अडेप्टेशन है वो भी यहाँ पर पूछा गया है। तो इस प्रकार से यूनिट चार जो है वो कंप्लीट है सेक्शन ए में ही, यानी कि अगर मैं यहाँ पर नोट करूँ तो सेक्शन ए जो है वो यहाँ पर चार यूनिट का इंक्लूड किया गया है, राइट है, और चार यूनिट जो है वो प्रोटोजोवा से लेकर के और जो हेलमंथीज जो है वहाँ तक इंक्लूड किया गया है। फिर इसके बाद में हेलमंथीज के बाद में आता है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, इन चार फाइलम को सेक्शन बी में इंक्लूड किया गया है, जिनको कहा गया है हायर इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, यानी कि इनवर्टिब्रेट तो हैं लेकिन थोड़े से ऊंचे कैटेगरी के हैं, सो इन्हें हायर इनवर्टिब्रेट सेक्शन बी के अकॉर्डिंग रखा गया है। और ये जो चार आप यहाँ पर फाइलम देख रहे हो इन सब का एक एक यूनिट बनाया गया है। सेम वही चीज़ जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन क्लास तक पढ़ना है, साथ ही इनके अंदर जो एक मेन फीचर है ना उसके बारे में भी डिस्कस करना है। जैसे कि एनिलेडा के अंदर पूछा गया है फॉर्मेशन ऑफ सीलोम, यानी कि यहाँ पर सीलोम पूर्ण तरीके से बनना शुरू हो जाती है और साथ में मेटामेरिज्म इन एनिलिड्स, यानी कि इनमें बॉडी सेगमेंटेशन भी पाया जाता है, सो उसके बारे में भी पूछा गया है। फिर आता है आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा में इसका जो मेन फीचर है ना वो है लार्वा फॉर्म का पाया जाना,
ठीक है। तो लार्वा फॉर्म जो आर्थ्रोपोडा की होती है उसके बारे में पूछा गया है, साथ ही साथ इनके अंदर जो इंसेक्ट जो क्लास आती है ना उसमें एक मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस भी पाई जाती है, ठीक है। यानी कि उनमें जो लार्वा फॉर्म बनती है उसके बाद में जो वो एडल्ट फॉर्म में जाता है तो वो किस प्रकार से अपने आप में चेंजेस करता है, ठीक है, ये मैकेनिज्म भी यहाँ पर पूछी गई है। फिर है इसके बाद में थर्ड जो है मोलस्का फाइलम, और जो मोलस्का फाइलम है ना उसमें यहाँ पर इसका जो मेन फीचर है ना वो है टॉर्सन, यानी कि इसमें जो कुंडलन का जो प्रोसेस है ना वो किस प्रकार से पाया जाता है, ठीक है, ये पूछा गया। और साथ ही इसमें एक फीचर और भी है कि मोलस्का के जो एनिमल्स हैं ना वो पर्ल का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि जो मोती है ना वो बनाते हैं। फिर आता है इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, इसमें जनरल कैरेक्टर और इनका क्लासिफिकेशन, साथ ही इनवर्टिब्रेट में आती है स्टारफिश, और इनमें जो मेन फीचर है ना स्टारफिश में वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का, यानी कि जो इनमें लोकोमोशन वगैरह होता है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के एक पार्ट यानी कि ट्यूब फिट के माध्यम से होता है। सो उसके लिए हमें पता है पूरा वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेक्शन बी का जो हमारे पास में यूनिट्स हैं वो है। इसके बाद में आता है सेक्शन सी, यानी कि अभी हम फर्स्ट पेपर को ही पढ़ रहे हैं जो कि हमारा सेमेस्टर फर्स्ट में ही आएगा। सो यहाँ पर आप सेक्शन सी जो देख पा रहे हो वो लोअर वर्टिब्रेट्स का दिया हुआ है, यानी कि अब बात आ गई है कोडेटा के अंदर, और कोडेटा में कोडेटा को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है इस बुक के अकॉर्डिंग, जिसमें हाफ जो स्टार्टिंग के जो कोडेटा है ना उन्हें बोला गया है लोअर वर्टिब्रेट्स, जो बाकी के बच गए और हायर उनको बोला है हायर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो सेक्शन जो सी आप देख पा रहे हो इसमें भी यूनिट्स हैं, और इसमें भी चार ही यूनिट जो है इंक्लूड की गई हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास में यूनिट जो है वो है प्रोटो कोडेटा की, राइट। फिर है हमारे पास में एग्नेथा की, और फिर है हमारे पास में पीसीज, और फिर हमारे पास में एक्वाटिक अडेप्टेशन इन पीसीज, यानी कि यहाँ पर आपको लोअर वर्टिब्रेट के अंदर पीसीज तक का जो डिटेल है वो पढ़ना है, जिसमें से आप देखिए प्रोटोकोडेटा में आपको जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और जो हाँ यहाँ पर क्लासिफिकेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इससे पहले जो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है इकाइनोडर्मेटा तक वो पढ़ा है आपने क्लास तक, जबकि आप इसके बाद में जो पढ़ोगे कोडेटा में वो पढ़ोगे आप अप टू ऑर्डर तक, यानी कि आपको ऑर्डर तक कंप्लीट क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद में इन एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है जो कि रिट्रोटाइप का मैन होता है, तो रिट्रोटाइप के मेटामॉर्फोसिस को यहाँ पर पूछा गया है फर्स्ट यूनिट के अंदर। फिर आती है सेकेंड यूनिट, सेकेंड यूनिट जो है वो आती है एग्नेथा की, और एग्नेथा के अंदर इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका आउटलाइन क्लासिफिकेशन, और साइक्लोस्टॉर्म जो है, ठीक है, उसमें भी आपको जो क्लास तक है ना क्लासिफिकेशन भी पढ़ना पड़ेगा, साथ ही इसमें कि जो लार्वा अवस्था आती है दैट इज एमोसिट लार्वा, इसको भी आपको डिटेल में पढ़ना होगा। यूनिट थर्ड की बात करें तो यहाँ पर यूनिट थर्ड जो है वो पीसीज की है, पाइसीज, जिसको हम जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे और इसका क्लासिफिकेशन वही अप टू ऑर्डर तक पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक मेन फीचर और है पेरेंटल केयर, ठीक है, यह भी हमें पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ इसका जो माइग्रेशन होता है वो भी हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। फिर आती है लास्ट यूनिट इस सेक्शन की, यानी कि सेक्शन सी में, तो ये आती है एक्वाटिक अडेप्टेशन, यानी कि फिश जो हमारे पास में जो सुपर क्लास चल रही है इसी का ही हमें एक फीचर और भी पढ़ना है, अडेप्टेशन पढ़ना है, वो भी एक्वाटिक, बिकॉज ये पूर्णतः एनिमल जो है वो एक्वाटिक है, सो एक्वाटिक अडेप्टेशन पढ़ना है। इनमें फिन्स पाए जाते हैं, उन फिन्स का ओरिजिन कैसे हुआ है वो पढ़ना है, इनमें जो स्कल्स हैं उसके बारे में भी पढ़ना है, साथ ही साथ इसमें ओस्मो रेगुलेशन किस प्रकार से मेंटेन होता है, क्योंकि काफ़ी क्योंकि ये पानी में रहते हैं तो सीधी सी बात है पानी जो है इनकी बॉडी में एंटर करता रहेगा, इस हिसाब से इनकी बॉडी जो है वो ब्रस्ट हो जानी चाहिए, फट जानी चाहिए, तो वो मेंटेन कैसे होता है, तो फिर ये भी हम इसमें ही पढ़ने वाले हैं। फिर आता है इसमें लास्ट सेक्शन, दैट इज़ सेक्शन डी, और इसे बोला गया हायर वर्टिब्रेट्स, राइट। पीसीज के बाद में जो भी हमारे पास में यहाँ पर सुपर क्लासेस जो भी क्लासेज यहाँ पे बची हुई हैं दैट इज एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एविज है एंड मैमल्स है, इन चारों क्लासेस के हमें जो क्लासिफिकेशन है और इनके जनरल करेक्टर है वो पढ़ने हैं, साथ ही साथ इनके जो मेन फीचर हैं जो एक एक इनमें इंक्लूड किए गए हैं वो भी हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। जैसे कि यूनिट फर्स्ट के अंदर एम्फीबिया का हमें नियोटोनी पढ़ना है, इसका पेरेंटल केयर पढ़ना है, जबकि रेप्टिला में हमें पता है जो पॉइजीनियस एंड नॉन पॉइजीनियस जो स्नेक होते हैं ना उसके बारे में पढ़ना है, और जो स्नेक जो बाइट करता है ना वो बीटिंग की जो प्रोसेस है ना वो भी हमें यहाँ पे पढ़नी है।
साथ ही यूनिट थर्ड जो है इसमें जो एविज है ना उसके बारे में पूछा गया है, और एविज का जो मेन कैरेक्टर है ना वो है कि इनमें फैदर का पाया जाना, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर फैदर होंगी, तो फैदर जो है उनके प्रकार पूछे। साथ ही फ्लाइट अडप्टेशन है इसका मेन कैरेक्टर है, क्योंकि ये उड़ने वाले एनिमल्स हैं, तो ये उड़ कैसे पाते हैं, उनके लिए इनमें क्या क्या अडप्टेशन पाया जाता है वो पूछा गया है। साथ ही इनमें जो माइग्रेशन का प्रोसेस है, ठीक है, उसके बारे में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है यूनिट फोर, इसमें पूछा गया है मैमल्स के बारे में, और मैमल्स का जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, ऑर्डर तक, साथ ही डेफिनेशन, सॉरी साथ ही जो डेंटेशन होता है ना मैमल्स के अंदर, यानी कि जो दंत विन्यास होता है, यानी कि जो दंत विन्यास होता है उसके बारे में, साथ ही अडप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स इसके बारे में भी पूछा गया है। इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और होता जो कि बेस्ट रहता, इवोल्यूशन ऑफ मैन, राइट, जो कि पहले चलता था लेकिन इस बार हटा दिया गया है, इवोल्यूशन ऑफ मैन, यानी कि मैन का उद्विकास कैसे हुआ है। खैर वो इसमें नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ये हमारा जो पूरा सिलेबस है वो पेपर फर्स्ट यानी कि सेमेस्टर फर्स्ट के लिए है, जूलॉजी पेपर फर्स्ट के लिए, जिसका नाम है एनिमल डाइवर्सिटी। अच्छा, इनमें टॉपिक जो आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे उसके लिए भी यूनिवर्सिटी ने नीचे मेंशन किया हुआ है, रिकमेंडेड जो बुक होती है उसके अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट्स है इसमें आप चेक कर सकते हो कि इनके टॉपिक जो है वो कौन कौन सी बुक से आपको मिल सकते हैं। उसके बाद में कुछ कोर्सेज जो लर्निंग आउटकम होते हैं वो बताया हुआ है, और उसके बाद में आता है हमारा मैन, यानी कि जो प्रैक्टिकल का जो सिस्टम है वो किस प्रकार से रहने वाला है जूलॉजी के सिलेबस का, ठीक है। तो प्रैक्टिकल 50 नंबर का होगा, और ड्यूरेशन की बात करें तो 4 घंटे का ये समय रहेगा, ठीक है। मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो भी डिसाइड किया हुआ है, 4 नंबर जो इंटरनली है वो चाहिए, और पेपर के लिए 16 नंबर मिनिमम चाहिए। पेपर 40 नंबर का, 10 नंबर का मिला करके टोटल 50 नंबर का हो जाएगा। पहला इसमें जो टॉपिक है दैट इज़ माइक्रोस्कोपिक टेक्निक का दिया हुआ है, ठीक है। और इस माइक्रोस्कोपिक टेक्निक के अंदर आपसे पूछा गया है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंड ऑर्गेनाइजेशन और वर्किंग, ठीक है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप एंड डिसेक्टिंग एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। सो ये जो आप सिलेबस यहाँ पर देख रहे हो ये प्रैक्टिकल के लिए सिलेबस जो है मैन किया गया है, इसके लिए जो हम वो एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। फिलहाल हम बात करते हैं जो हमारा पेपर सेकंड है या फिर सेमेस्टर जो सेकंड है उसके बारे में, ठीक है। सेमेस्टर जो सेकंड है उसमें कौन कौन से यूनिट्स ऐड किए गए हैं ये, और उसमें बुक जो है वो कौन सी ऐड की गई है। तो देखिए हमारे पास में ये जो है वो सिलेबस है बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए सेमेस्टर सेकंड का, और इसमें जो बुक का नाम दिया गया है वो है कंपेरेटिव एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है। जो भी यहाँ पर कशेरुक जीव हैं उनका जो डेवलपमेंट है, उनके जो एनाटॉमी है वो किस प्रकार से हुई है उसके बारे में दिया गया है, जिसमें आप देख पाओगे जो सेक्शन है वो भी यहाँ पर 4 ही इंक्लूड किए गए हैं। इसमें से सेक्शन ए की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, सेक्शन ए में इंक्लूड किया गया है यूनिट फर्स्ट के अंदर इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में, स्ट्रक्चर फंक्शंस ऑफ इंटीग्यूमेंट के बारे में, साथ ही जो डेरिवेटिव होते हैं इंटीग्यूमेंट ग्लैंड्स के बारे में। उसके बाद में यूनिट सेकंड में पूछा गया है स्केलेटन सिस्टम ओवरव्यू, ब्रीफ अकाउंट जा सस्पेंसोरियस एंड जो विसरल आर्क होती है उसके बारे में। साथ ही यूनिट थर्ड में जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा गया है, एलिमेंट्री कैनाल पूछा गया है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पूछा गया है। ये सारी चीज़ें जो है वो वर्टिब्रेट्स की चल रही है, राइट। फिर यहाँ पर पूछा गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीफ अकाउंट ऑफ गिल्स, लंग्स, एयर सैक एंड स्विम ब्लैडर के बारे में, ठीक है। ये सारे भी जो वर्टिब्रेट्स के हैं उन्हीं के बारे में पूछा गया है। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पर 4 यूनिट सेम है, यानी कि यूनिट्स में अगर आप देखोगे तो कंप्लीट सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड जितने भी सेक्शन है सब में 4-4 ही यूनिट ऐड कर रखी है। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम्स, इसमें इवोल्यूशन ऑफ हार्ट है एंड एरोटिक जो आर्क होती है उसके बारे में भी पूछा गया है। फिर है यूरोजेनिटल जो सिस्टम होता है उसके बारे में है, जो सक्सेशन ऑफ किडनी है उसके बारे में है, और इवोल्यूशन ऑफ और यूरोजेनिटल डक्ट होती है उसके बारे में भी पूछा गया है। फिर है नर्वस सिस्टम, कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन, और फिर यूनिट जो 4 है दैट इज सेंस ऑर्गन एंड टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स एंड जो विजुअल रिसेप्टर्स होते हैं मैन के अंदर वो सब पूछा गया है। सेक्शन सी की अगर हम बात करें इस पेपर में तो सेक्शन सी में पूछा गया है जो स्कोप है, हिस्ट्री है, डेवलपमेंट बायोलॉजी, कॉन्सेप्ट एंड एपिजेनेसिस, यानी कि ये सेक्शन सी जो है वो पहले जो सिलेबस चला करता था बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में डेवलपमेंट बायोलॉजी का, ठीक है, वही टॉपिक इसमें ऐड किए गए हैं। तो यानी कि यूनिट फर्स्ट में जो
डेवलपमेंट बायोलॉजी है उसके बारे में थोड़ा बेसिक है, और इसमें एक कंसेप्ट है एपिजेनेसिस, उसके बारे में भी पूछा हुआ है। एपिजेनेसिस जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमने पहले से ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जाकर के आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की, उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स की हमने वीडियो जो है ऑलरेडी बना रखी है। फिर आता है इसमें प्री फॉर्मेशन जो थ्योरी होती है, ये कंप्लीट जो थ्योरीज है ना वो सब हमने ऑलरेडी बना रखी है, यानी कि यूनिट फर्स्ट जो है वो हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। यूनिट सेकंड की बात करें तो यहाँ पर अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, जिसमें गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस पूछी गई है, दोनों प्रकार के स्पर्मेटोजेनेसिस है, ओजेनेसिस है, राइट है। साथ ही साथ कुछ यहाँ पर फिनोमिना दिए गए हैं, जैसे कि पार्थेनोजेनेसिस है, फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, एक्सटर्नल एम्फीबियन के अंदर पूछा गया है, और इंटरनल जो है वो मैमल्स के अंदर पूछा गया है, यानी कि दोनों प्रकार का जो फर्टिलाइजेशन है वो पूछा गया है इसमें। फिर इसमें ब्लॉकिंग मैकेनिज्म टू पॉलीस्पर्मी है ना, जो जो मतलब कि बहुत सारा जो बोलते हैं ना भाई बहु शुक्राणु तो जिसमें आती है उसे रोकने के लिए जो भी यहाँ पर मैकेनिज्म होती है उसके बारे में भी पूछा गया है। यूनिट थर्ड की बात करें तो यहाँ पर टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ क्लेवेज पूछा गया है, ठीक है, जो कि हमारा पहले भी डेवलपमेंट बायोलॉजी में टॉपिक चलता था। अच्छा, ये जो पीडीएफ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही या फिर आपको कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन डी के बारे में, जो कि लास्ट सेक्शन रहेगा। सेक्शन डी में यहाँ पर केवल तीन ही जो यूनिट्स हैं वो दी हुई हैं, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, दोनों सेमेस्टर को, ठीक है। अगर आप देखोगे तो सेकंड सेमेस्टर में जो लास्ट जो सेक्शन है उसमें ही केवल एकमात्र एक यूनिट कम की गई है, इसमें भी चार यूनिट होनी चाहिए थी वैसे देखा जाए तो, बट कोई नहीं, तीन यूनिट है, अच्छा है। यूनिट फर्स्ट जो है वो उसमें पूछा गया है कि भाई जो लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसके बारे में, साथ ही साथ जो मेटामॉर्फिक जो इवेंट होते हैं उसके बारे में पूछा गया है, जो कि फ्रॉग में होते हैं, और हार्मोन का जो रेगुलेशन होता है वो किस प्रकार से होता है ये भी इसी यूनिट में पूछा गया है। सेकेंड यूनिट में देखें तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में पूछा गया है, चिक फॉर्मेशन पूछा गया है, एंड जो प्लेसेंटा होता है उसके बारे में, उसके टाइप्स, उनके फंक्शंस जो है वो पूछे गए हैं, और ये जो टॉपिक है वो ऑलरेडी पहले पास कोर्स में चला करते थे और इसमें भी वो ऐड किए गए हैं। यूनिट थर्ड की बात करूँ तो यहाँ पर ये जो यूनिट है वो हाँ अच्छे तरीके से यहाँ पर डिफाइन की गई है, मतलब नई तरीके से निकाल करके अप्लाइड एस्पेक्ट जो होते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी के उस अकॉर्डिंग इसमें ऐड किया गया है। पहले की अगर हम देखें तो ओपनली पढ़े हुए थे, ये इस बार ठीक से इसको मैनेज किया गया है, यानी कि ज़्यादा कुछ नहीं, अगर मैं ओवरऑल इन दोनों सेमेस्टर में जो ये टॉपिक ऐड किए गए ना अगर मैं उसका ओवरव्यू देखूँ ना तो इस बार का जो ओवरव्यू है ना वो बहुत बढ़िया बनाया गया है राजस्थान यूनिवर्सिटी के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें जो है ना वो सीक्वेंस ऐड की गई है ताकि बच्चा जो है ना वो कहीं मतलब डिस्टर्ब ना हो। जैसे क्लासिफिकेशन को पढ़ने के लिए पहला बच्चा बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में आधा पढ़ता था, ठीक है, फिर सेकंड ईयर में एक पोर्शन पढ़ा इन्वर्टिब्रेट, फिर थर्ड ईयर में पढ़ेगा वो। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जितना भी क्लासिफिकेशन एक साथ दे दो भाई, ताकि कम से कम बच्चा जो है ना वो एक साथ ही क्या करे क्लासिफिकेशन को याद कर ले, फिर उनमें आने वाले जो फीचर्स हैं उनको भी यहाँ पर दिया गया है साथ के साथ कि भाई एक एक फीचर तो आप कम से कम इनमें याद रखो। जो इसमें लास्ट टॉपिक है यूनिट थर्ड का वो है अप्लाइड एस्पेक्ट्स एंड सॉरी ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी का, जिसमें एक फिनोमेना है स्टेम सेल के बारे में, फिर है क्लोनिंग प्रोसेस के बारे में, फिर यहाँ पर असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्निक यानी कि जो यहाँ पर एआरटी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी पूछा गया है, ठीक है। इसी के साथ में हमारा जो पेपर सेकंड है या फिर आप बोल सकते हो सेमेस्टर जो सेकंड है उसका सिलेबस भी ख़त्म होता है। इसके लिए जो रिकमेंडेड जो बुक्स हैं वो यहाँ पर मेंशन की गई हैं, और उसके बाद में आता है फिर प्रैक्टिकल जो है उसके बारे में, जो सेकंड जो प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, उसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है, और प्रैक्टिकल को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डीपली कि इसका जो पैटर्न है वो किस प्रकार से रहेगा, इसमें रेगुलर स्टूडेंट हैं उनका कैसा मेथड रहेगा, जो एक्स हैं उनका क्या सीनेरियो रहेगा, नॉन कॉलेज वाले हैं उनके लिए क्या सीनेरियो रहेगा, साथ ही साथ कौन कौन से यहाँ पर जो प्रैक्टिकल्स हैं वो इंक्लूड किए गए हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो ये टोटल 11 नंबर तक की यहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी एज ए सिलेबस के तौर पर, जिसमें मैंने आपको पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया भी था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस है वो अपलोड किया है लेकिन उसको रिमूव कर दिया है, ये मिसिंग था, सो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इसको रिमूव किया और फिर से अब अपलोड किया है आज। तो इस प्रकार से हमारा जो सिलेबस है वो रहने वाला है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, और अभी ये फ़िलहाल राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हो या फिर जो कॉलेजेस हैं उनके लिए ही सिलेबस है।
जैसे कि RRBMU की मैं अगर बात करूँ तो उनका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा तब जा करके उनके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। बाकी राजस्थान यूनिवर्सिटी को फॉलो करने वाली है PDS यूनिवर्सिटी, तो उनका भी यही सिलेबस रहने वाला है। इसी प्रकार से आप बैक करके जो अदर जो आपके पास में सिलेबस हैं लाइक जैसे कि बॉटनी है उसका भी आप सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की तो उसका भी यहाँ पर जो सिलेबस है वो अपलोड कर दिया गया है। तो टोटल मिलाकर के ये कहें कि भाई जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसने हाल फिलहाल में सभी स्ट्रीम के लिए जो सिलेबस है न्यू सेमेस्टर जो सिलेबस है मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो अपलोड कर दिया है।